evening, ladies and gentlemen. This is my 2010 Yamaha R1 Crossplane. It's real fucking nice. तो अस्सलाम वालेकुम, अपन भैया वो फैन बन रहे हो। तो अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों और बहनों, तो अपन वीडियो करेंगे हिंदी में। तो आप लोगों को बताना चाह रहा था मेरी 2010 मॉडल की यामा R1 क्रॉसप्लेन। तो शुरुआत करेंगे अपन सामने से। ये गाड़ी के दो हेडलाइटा हैं, तो हेडलाइटों के अंदर हाई बीम, लो बीम, मिडिल बीम पूरे फीचर दिया हुआ है ज़बरदस्त। और ये स्टिकर लगाने से लोगों की गांठ फटती, गाड़ी के नज़दीक नहीं आते। स्टिकर आप देख सकते, भैया ज़ूम इन करो स्टिकर को, स्टिकर है। और अलहमदिल्ला गाड़ी का नाम हला रखा हमें, तो गाड़ी का नाम हला है। तो हेडलाइटों के आजू बाजू ये गाले हैं, ताकि रास्ते में रनिंग में कोई चिड़िया या मच्छर अंदर से जाते, ताकि फिल्टर होकर पीछे साइलेंसर में से निकल जाते। तो वो एक ज़बरदस्त फीचर दिया यहाँ माला, मेरे को बहुत पसंद आया वो। अभी अपन बताएंगे ब्रेकों के बारे में सामने आओ। तो अपन देखेंगे ब्रेकों को, ये डिक्सा है सामने के। तो ये कंपनी के डिस्कों को या ऐसा गाले नहीं आते, अजूम करा रहा। ये डिक्सों को अपन गाले दिए, ताकि ब्रेक ऐसा पकड़े तो ऑटोमेटिक ABS ऐसा छोड़ पकड़ करता, गाड़ी स्कीड होकर गिरते नहीं आप। तो उसके अलावा भी ये सामने का जो है, ये डिस्क को जो पकड़ता ना, ये क्या बोलते हैं इसको, पिस्टन को, इसको तीन पिस्टन है वो, कहीं को दिया अल्लाह को मालूम। मैं कलर के ब्रेक लाइना डाला, क्योंकि ब्लू इज़ फेवरेट कलर माइन, दैट इज़ वाई पुटिंग दिस। और गाड़ी के शाखा दरान उल्टे है, मतलब नॉर्मल में यूँ आते हैं इसमें ऐसे है, बस सामने शाखा दरान का होता है ऐसे, समझिए आप ज़बरदस्त। तो आजकल के नए 90 गाड़ियों में साइड में स्पाइलर आते हैं, लेकिन वो स्पाइलर क्या है, 150 की स्पीड के ऊपर ही काम करते हैं, मगर अपन 300 के ऊपर चलाते हैं गाड़ी। तो मैं बोला अलबत्ता अपने को वो काम का आइटम नहीं है, इसलिए मैं ये लगाया कि क्या है, ऑल इन वन है। इना स्पाइलर का भी काम करते हैं, गाड़ी गिरी तो प्रोटेक्शन भी देते हैं, और कभी लॉन्ग में आपको थकान हो रही तो आप पैर वैर रख लेके भी जा सकते हैं। आप चप्पल पहन के गाड़ी चला रहे हैं, अलबत्ता आपको यहाँ पर गर्मी मार रही तो आप यहाँ पर रख लिया वो तो आपको उतनी तकलीफ नहीं होती। उसके अलावा ये इंजन ऑयल भरने का है, इधर मैं ये कैप लगाया ताकि जो गाड़ी में मैं टर्बो नाइट्रो का काम कराया, तो इंजन में क्या है प्रेशर बहुत रहता, वो प्रेशर से ऑयल बाहर नहीं मारना बोल के मैं ये कस्टम कैप लगवाया हूँ उधर ज़बरदस्त। उसके अलावा यहाँ से आप झांक के देख सकते हैं गाड़ी में तेल कितना है अभी, तो अलहमदिल्ला अपनी गाड़ी में अच्छा तेल है। वो अलग बात है कि मैं दो साल में एक बार चेंज कराता हूँ। तो अलबत्ता आप अपन आ गए गाड़ी के डैशबोर्ड के ऊपर। तो डैशबोर्ड पर मैं ये ज़बरदस्त स्टिकरिंग नहीं, हाइड्रो का काम है ये, मतलब पानी में डुबा के निकालते कलर ऐसा पकड़ लेता उन्हें। तो इन्हें बराबर कलर पकड़ा, इन्हें थोड़ा नहीं पकड़ा, क्योंकि जो लोग करे उन्होंने ज़रा थैंक यू का काम कर दिए। अलबत्ता ये स्टिकर लगाया हूँ मैं, ताकि लोगों की ज़रा गांठ फटना स्टिकर देख के, ये स्टिकर देख ले गाड़ी के नज़दीक ज़्यादातर पब्लिक नहीं आती, समझिए आप। तो मूविंग ऑन, ये सामने अपन वाइज़र लगाए हुए हैं, ताकि सामने से कुछ भी चुड़िया उड़िया आ गए या खुदा ना खास्ता किसी को अपन उड़ा दिए तो ना वाइज़र को लग के टप खा के पीछे चले आना, अपने को फ़र्क नहीं पड़ना। उसके अलावा भी ये जो ब्रेक फ्लूड का वो रहता है उसके ऊपर ये भी लगाया मैं, ताकि कोई भी गाड़ी को हाथ नहीं लगाना, और वाकई बोल रहा हूँ मैं, ये सब लगाने से वाकई गाड़ी कोई भी हाथ नहीं लगाते। अब हम आपको बताएंगे गाड़ी का मीटर। मीटर में आप देख सकते नंबर 0 से 15 तक है, तो ये अपना स्पीडोमीटर हो गया, मतलब 1 × 100 बोले तो 100, 200, 300, 400 ऐसा करके गाड़ी 1500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक से चल सकती। ये जो नीचे 0 बता रहा ये गाड़ी का टेम्परेचर है, फिलवक्त गाड़ी ठंडी है उस वजह से। वो जो ऊपर 49 बता रहा वो बाहर का टेम्परेचर है, आज बहुत गर्मी है फिर भी, लेकिन मैं जैकेट पहन लेके निकला हुआ हूँ। गाड़ी में 3 राइडिंग मोडा हैं, स्टैंडर्ड मतलब गाड़ी नॉर्मल चलती एकदम, ए बोलते ख़त्म खाली हवा से बात करके माँ खाओ निकल जाती, रोड छोड़ के हवा में उड़ती खाली गाड़ी। बी अगर आप गांड फट्टू है या बारिश आरिश हो रही, आपकी शादी आदि हो गई, आपको ज़रा यू नो घर के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है, तो आप बी मोड में चला लेना गाड़ी। R1 बोल के वहाँ पे लोगों आते रहता आपको याद दिलाने के आप R1 चला रहे हैं, और फिलहाल गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा 200 का दलाता हूँ, उसके ऊपर नहीं दलाता हूँ। उसके अलावा ये मेरी ब्रांडेड किचन है, क्योंकि मैं बहुत सेल्फ ऑब्सेस्ड हूँ। उसके अलावा ये है ताकि जब आप सर्दी में गाड़ी चला रहे हैं तो सर्दी से आपके हाथ को प्रोटेक्शन देना है इन्हें, क्योंकि ग्लव्स तो अपन पहनते नहीं। ये लीवर हैं एडजस्टेबल, आपको स्टापिया मारना है तो 6 पे रख लेना, नहीं खाली जाके सामने घुस जाना है वो तो 1 पे रख लेना। और उधर तरफ भी है वो, इसको क्लच केबल आता, हाइड्रोलिक सिस्टम नहीं है इसको। उसके अलावा हजार्ड है, कभी भी ग्रुप राइड में निकले तो हजार्ड खोल के चलाना, नहीं तो ग्रुप राइड में नहीं आने देते, समझ रहे ना आप, हजार्ड उसके लिए छे।
हेडलाइट खोल बंद करने का खटका नहीं दिया इसको, उस वजह से करंट का बिल बहुत आ रहा, तो मैं रामकोट पे जाके हेडलाइट का एक स्विच डला लेना सोच रहा हूँ। ये शाका जरा रंग का एडजस्टिंग बोल्टा है, ये कंप्रेशन का रहता रिबाउंड का रहता। कंप्रेशन बोले तो आप कंप्रेशन सेटिंग कर दिए तो ब्रेक मारते गाड़ी खाली सामने से बढ़ जाती, वापस उठतीस नहीं। रिबाउंड बोले तो खाली ऐसा उछालना, हाइड्रोलिक सिस्टम के वास्ते एडजस्टमेंट करना है, तो ये बोल्ट को थोड़ा आगे, वो आगे करना है पीछे करना है लागू मालूम, मैं तो आज तक करा नहीं। तो गाड़ी का सामने का पूरा कवर कर लिया अपन, अब गाड़ी के पीछे आ गए। ये मेरी गाड़ी है, एपी नंबर है, एपी नंबर, एपी नंबर। ये गाड़ी को मैं पराली के टायर अंदर लाया क्योंकि मिकलिन वो पूरे अपने को बेकार पड़ना दिखते। पिल्ली क्या है, जरा नरम रबर रहता, ऐसा नाखून चुभाए तो जबरदस्त रहता। वैसे तो अपन कोनों का रबर कभी इस्तेमाल करते नहीं क्योंकि अपन उतने पूरे बिड़ना मारते नहीं, लेकिन अलबत्ता कभी भी केवीआर पे गाड़ी सुलाने का दिल बोला तो ये टायर आपको नहीं सुलाते अलबत्ता, तो लेना है तो ये ले लो पिरेली, और पिरेली वाले पैसे नहीं दिए मेरे को बोलने का। गाड़ी की सबसे हाईलाइट और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये अपन टुची के एग्जॉस्ट अंदर है, जरा इधर आओ भाई, एग्जॉस्ट नज़दीक से बताएंगे। तो इसको चार पाइपा आते, कभी भी लड़ाई वड़ाई हो गई करी बोले तो इधर से आप जॉइंट खोल लेके निकाल के गरम साइलेंसर से एक सर पे दिया, वो तो जिंदगी में कभी आपकी तरफ पलट के नहीं देखता हूँ, समझ रहे ना। तो वो एक फीचर अच्छा है इसका। टुच्ची दलाने की वो ये थी क्योंकि परफॉर्मेंस का तो नहीं मालूम, साउंड बहुत जबरदस्त देता है इन्हें। मैं हालांकि योशीमारू भी देखा, दो भाइयों का एग्जॉस्ट भी देखा, मगर अलबत्ता अपने को कुछ भी समझ में नहीं आया, पूरे बेकार के बढ़ना दी, खाली नाम है, आवाज़ नहीं, कुछ भी नहीं, गाड़ी लेके था आटो लेके जा रहे था बोली पब्लिक। तो टुच्ची जबरदस्त है, नंबर वन एग्जॉस्ट फॉर आर वन टुच्ची। नजदीक लोगों बताओ, ओरिजिनल है, डुप्लीकेट नहीं है, सुने ना, अमेरिका से मंगाया हूँ बड़े बहन के हाथ से। गाड़ी के फुट पे का भी चेंज कराया हूँ मैं। अगर आपको वेस्टर्न पे बैठने की फीलिंग लेना है तो आप थोड़ा नीचे कर लेना, अगर इंडियन पे बैठने की फीलिंग लेना है तो थोड़ा ऊपर कर लेना, अलबत्ता वो फ्लेक्सिबिलिटी रहती है आपको, तो वो एक चीज़ है। और ये भी समझ रहे आप, कार्बन फाइबर की शील्ड है, एग्जॉस्ट फुल सिस्टम है या स्लिप ऑन मेरे को नहीं मालूम, ना मेरे को फ़र्क पड़ता, जब तक आवाज़ जबरदस्त आ रही मेरे को कोई भी बात का टेंशन नहीं है। उसके अलावा इधर सुपरमैन का स्टिकर है क्योंकि अपन सलमान भाई के बहुत बड़े फ़ैन हैं, और बाकी गाड़ी पे थोड़े थोड़े इधर उधर स्टिकर आए हैं। वो अब जैसे आप ये स्टिकर देख सकते हैं, ये मैं लगाया था कि गाड़ी पे पुटियाँ आके फुदके नहीं बढ़ जाना, वैसे तो मैं किसी को बिठा तो नहीं, लेकिन फिर भी प्रिकॉशन मेजर के वास्ते मैं पीछे सीट का कॉल भी डलाया, मगर गाड़ी पे तिग्गी नहीं मार सकते आप ये दालेबाज से, लेकिन डबल जलबत्ता लंबी सीट है तो आप डबल जलमदिल्ला आप मान ले सकते। गाड़ी की चेन स्प्रॉकेट भी मैं गोल्डन डलाया क्योंकि मैं बप्पी लहरी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। ओरिजिनल 24 कैरेट गोल्ड की बिल्कुल नहीं होती है, मगर मैं लोगों को ऐसे ही बोल के फेंकता हूँ कि 24 गोल्ड कैरेट की चेन है समझ के। तो ये चेन से आपको परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हो जाता, गाड़ी करीबन 200 से सीधा सीधा 400 bhp हो जाती, और व्हील मारने के लिए आप खाली ऐसा थ्रॉटल पर हाथ रख के छींके तो व्हील उड़ जाती, खास है तो व्हील बढ़ जाती। और ये साइड स्टैंड है, अच्छा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह से अपने पास और भी बहुत गाड़ियाँ हैं, बहुत गाड़ियाँ अपने पास, टेंशन की बात नहीं है, उधर भी खड़ी हुई है। तो गाड़ियों का तो रिव्यू, गाड़ी का तो रिव्यू मैं आपको दे दूँ अभी। मैं मेरे क्या बोलते हैं इसको सेफ्टी गेयर का भी आपको रिव्यू देने वाला हूँ। ये मेरे पास एक दज्जाल की हेलमेट है क्योंकि लोग मेरे को इल्यूमिनाटी बोल के छेड़ना इंस्टाग्राम पे, उस वजह से ख़रीदा मैं ये हेलमेट। और उसके अलावा ऊपर एक भारी हेलमेट है जो मैं कभी पहनता नहीं, मगर खाली लोग आए तो पोजा मारने बताने के वास्ते रखा हो, अभी भी वीडियो के वास्ते कपड़ा निकालने जान पे आ रहा मेरे को। गाड़ी के पूरे मेंटेनेंस के आइटम इधर ही रखे हुए, आइला वाइला ये अपने मेंटेनेंस के वास्ते, पानी रखे हुआ इधर, बिस्लेरी ओरिजिनल है, डुप्लीकेट नहीं है। और गाड़ी की सीट, कभी दिल बोला निकलना है किसी को तो भी बिठा लेके पीछे, वो तो गाड़ी सीट वीट भी आप लगा ले सकते हैं। उसके अलावा ये नीचे चार किस्म के जूते हैं, मगर सबसे इम्पॉर्टेंट जो है चप्पल जो मैं पहनता हूँ हमेशा, वो मैं यहाँ नहीं रखा क्योंकि फिल वक्त पहना हुआ हूँ मैं वो। ये रेसिंग के बूट्स है, मतलब आप कभी KBR पे रेस वेस मारने गए तो ये पहन लेके जाना। ये लंबे राइडिंग के बूट्स है, कभी आप बहुत लॉन्ग राइड मार रहे यानी समझो गचीबोली तक, तो ये पहन लेना। और ये जो है खाली छोटे मोटे राइडा यानी आप घर से तरकारी अरकारी लाने निकले बोल तो ये पहन लेके जाना। वैसे तो मैं चप्पल प्रीफर करता हूँ, लेकिन आप लोगों का क्या है कि हेलमेट आल बता मेरे पास ये कार्बन फाइबर की ये सब है, मगर वैसे तो हेलमेट की अपने को ज़रूरत नहीं है क्योंकि मियाँ भाई का दिल नरम दिमाग गरम बाकी सब अल्लाह का करम। ये मेरे जैकेट हैं, एक धोने डाला मैं तो फट गई तो इधर नहीं है। और ये मेरी ब्रांडेड वाली जैकेट है, कभी सेल्फ ऑब्सेस्ड फील हुआ तो पहन के निकलने के वास्ते। और ये है बॉडी आर्मर है, तकरीबन ये मैं शो ऑफ को लटका के रखा था कि घुसते की स्टूडियो में ज़रा अच्छा दिखना बोल के, तो अपने अवार्डा वो सब है। तो उतज थैंक यू फॉर वॉचिंग, और होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया। आप लोगों को कुछ भी टेक्निकल सवाल आए तो आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं। शुक्रिया, जजाकल्ला।